हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप प्रेगनेंसी में मॉर्निंग में अच्छी डाइट लेते हैं तो दोस्तों इससे ना सिर्फ आप मॉर्निंग सिकनेस से बच सकते हैं बल्कि आप पूरे दिन दोस्तों एक हेल्दी रूटीन सेट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ पे कि अगर आप मॉर्निंग में हेल्दी डाइट ले रही हैं तो दोस्तों आपका पूरा दिन काफ़ी अच्छा गुजरता है, साथ में आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है और ऐसे में दोस्तों आपको मॉर्निंग सिकनेस भी बहुत कम होती है। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे फूड ऑप्शन जो कि आपको प्रेगनेंसी में अपने मॉर्निंग में ज़रूर खाने चाहिए। ये सिर्फ आपके और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए ही अच्छे नहीं रहते बल्कि आपको बहुत ज़्यादा दिन में एनर्जेटिक फील कराएंगे, साथ में दोस्तों आपको मॉर्निंग सिकनेस से भी बचाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी प्रेगनेंसी केयर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला फूड आता है भीगी हुई बादाम। अगर आप रात को बादाम भिगो के और सुबह दोस्तों इनको आप खाती हैं अच्छे से चबा चबा के, आप इनको डायरेक्ट भी खा सकती हैं, आप इनको दोस्तों घिस के दूध में भी ले सकती हैं या फिर बादाम का कभी कभी एक दो हफ्ते में एक आध बार हलवा भी बना के खा सकती हैं। इस तरह से दोस्तों आप प्रेगनेंसी में मॉर्निंग में बादाम खाती हैं तो दोस्तों ये आपके होने वाले बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। बादाम में दोस्तों बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, विटामिन ई होता है, ए होता है, डी होता है। ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, साथ में दोस्तों आपके खुद के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करती हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसके अंदर आता है ओट्स का नाश्ता। ओट्स भी दोस्तों बहुत सारे गुणों से भरपूर होते हैं, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं जो कि आपके पूरे दिन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखते हैं, एसिडिटी से आपको बचाते हैं, साथ में दोस्तों इसमें भी आयरन होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, इस तरह के बहुत से दोस्तों न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके होने वाले बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सपोर्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है दोस्तों भीगे हुए किशमिश। भीगे हुए किशमिश भी दोस्तों आप मॉर्निंग में ले सकती हैं, ये दोस्तों आयरन से भरपूर होते हैं, साथ में दोस्तों इनमें इतनी अच्छी एनर्जी होती है कि अगर आप भीगे हुए किशमिश खाती है तो दोस्तों इसमें आयरन होता है, विटामिन सी होता है, इससे दोस्तों आपकी जो बॉडी में खून की कमी होती है प्रेगनेंसी में वो बिल्कुल नहीं होती है, इससे जो एनीमिया की शिकार हो जाती है महिलाएं उसमें भी आपको बहुत मदद मिलती है, आप उससे भी बच सकती है। अच्छे खून के संचार के लिए, अच्छे आयरन के लिए, कैल्शियम के अच्छे अब्सॉर्प्शन के लिए आपको दोस्तों भीगी हुई किशमिश भी प्रेगनेंसी में खाने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों फूड ऑप्शन इसके अंदर आता है, वो आता है दोस्तों एग। एग दोस्तों प्रेगनेंसी में आप ले सकती है, किस महीने से ले सकती है, कैसे ले सकती है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगी, लेकिन हाँ एग भी दोस्तों बहुत गुणकारी होता है। अगर आप सुबह का एग का नाश्ता प्रेगनेंसी में करती हैं तो ये भी दोस्तों आपके होने वाले बच्चे के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर आता है दूध। दूध दोस्तों अगर कोई महिला पूरी प्रेगनेंसी में अच्छे से लेती है, सुबह लेती है, शाम को लेती है, तो दोस्तों इससे कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है, साथ में दोस्तों दूध में इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत सी डेफिशिएंसी से बचाती हैं। तो दोस्तों आप मॉर्निंग में एक ग्लास दूध भी आप अपनी प्रेगनेंसी में लेती हैं तो ये दोस्तों आपको पूरे दिन एनर्जेटिक भी फील कराता है, साथ में आपको मॉर्निंग सिकनेस से भी काफ़ी हद तक बचाता है। इसी में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है नारियल पानी। दोस्तों प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी में ही अगर कोई महिला नारियल पानी पीती है तो दोस्तों ये महिला के लिए बहुत अच्छा एक फूड होता है। इसमें दोस्तों दुनिया का जो सबसे शुद्ध वाटर है दोस्तों वो नारियल पानी को ही बोला जाता है। आप इसे प्रेगनेंसी के शुरुआती टाइम से और दोस्तों डिलीवरी तक पी सकती हैं। इसमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं दोस्तों जो आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए और आपको प्रेगनेंसी में बहुत सी तरह की परेशानियों से बचाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको नारियल पानी तो आपकी पूरी प्रेगनेंसी में पीना ही चाहिए। और अगर दोस्तों आप इसको मॉर्निंग में पीती हैं तो दोस्तों उसकी बात ही अलग है, ये आपको पूरे दिन तरोताज़ा रखता है, साथ में दोस्तों आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, साथ में दोस्तों ये आपको मॉर्निंग सिकनेस से भी बचाता है।
नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर आता है एप्पल। एप्पल का दोस्तों आपको पता है कि सेब कितने ज़्यादा गुणों से भरपूर होता है। इसमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि दोस्तों आपके और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ में दोस्तों ये फाइबर की एक बहुत अच्छी इसमें मात्रा होती है, फाइबर का एक अच्छा सोर्स होता है। तो ये भी दोस्तों अगर आप आपकी प्रेगनेंसी में खाते हैं तो आपके बच्चे के लिए अच्छा रहता है और आप इसको मॉर्निंग का नाश्ता ले सकते हैं। लास्ट दोस्तों इसमें है पनीर। पनीर दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक न्यूट्रिशियस फूड है। बहुत अच्छी मात्रा में इसमें विटामिन डी होता है, फाइबर्स इसके अंदर होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम इसके अंदर होता है। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में पनीर आपको ज़रूर खाना चाहिए। पनीर को आप मॉर्निंग में पनीर पराठा बना के खा सकती हैं, पनीर का सैंडविच आप खा सकती हैं। इस तरह से दोस्तों आप पनीर खाएंगी तो ये भी आपके होने वाले बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए, साथ में दोस्तों आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये कुछ एक फूड ऑप्शन है जो कि आपको आपके प्रेगनेंसी में मॉर्निंग में अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। ये आपको पूरे दिन तरोताज़ा रखने के साथ आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नए प्रेगनेंसी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय।